तो उठा लो हनी, ये रहा तुम्हारा सारा स्कूल का सामान। स्कूल में तुम्हारा दिन अच्छा हो, अच्छे से काम करना। ठीक है। मेरा बैग टूट गया, अब सारा सामान फर्श पर गिर गया। ओह नहीं हनी, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। देखते हैं, यहाँ कुछ तो होगा। जरा मुझे ये बनाना होगा। ये रहा बिल्कुल नया बैकपैक तुम्हारे लिए। वाह ये तो कमाल है। ठीक है मैं निकल रही हूँ, वापस आकर मिलती हूँ। जी मिस, आप आज स्कूल कौन सा बैग लेकर जाना चाहेंगी? वो वाला नहीं, वो बोरिंग भी है और आजकल चल भी नहीं रहा। तो आप ये पर्पल छोटा वाला ले जाएं या फिर ये जो गोल्ड से बना है? हाँ मैं ये इस्तेमाल करना चाहूँगी। बहुत अच्छी चॉइस है मिस एमा, ये लो। उम्मीद है आपका दिन अच्छा हो। फिर शुक्रिया, ये निपट गया। मॉम देखो हमारे स्कूल में पार्टी है। अरे वाह, पर ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर मॉम मुझे पहनने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। अच्छा आइडिया है, शायद यहाँ कुछ है जो हम इस्तेमाल कर पाए। देखते हैं ये है क्या। कुछ ब्लू कलर का है, ये पुरानी शर्ट लग रही है, ये पहन लो। ठीक है, कम से कम ये फिट तो आया। शुरू तो करते हैं, पर मुझे ये सब इससे हटाना होगा। जरा रुको, मैं ये सारे स्पाइडर वेब्स इस वैक्यूम से निकाल देती हूँ। हाँ काफी अच्छे से काम कर रहा है। अब जरा पीछे मुड़ो, पीछे का भी हटा देते हैं। बस थोड़ा सा और इसे बंद करो। हे एक सेकंड रुको, लगता है इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। ठीक है ये रहा बाइंडर, एक बार ट्राई करो। ओह मैं समझ गई, वैक्यूम होस पर इस तरह बाइंडर लगाएंगे और बालों को बनाने के लिए सक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब बाइंडर को इस तरह लगा देंगे। परफेक्ट, इतनी आसानी से कभी पिगटेल्स हुई ही नहीं। हाँ लगता है मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मॉम, आप सबसे अच्छी हो, मजे करो। रुको तुम इनविटेशन तो भूल ही गई। हाय एवरीवन मैं आ गई हूँ। हाँ एनी ने भी पिगटेल्स बना रखी है और बेरी ने भी। लियाम ने भी पिगटेल्स बना रखी है। थैंक इट फ्रेंक में नहीं रहना चाहती, फ्रेंक्स तो मैं सेट करती हूँ ना। हे तुम मेरी स्टाइलिस्ट हो तो अब तुम ही कुछ करो। ठीक है मैं पार्टी में आ रही हूँ। शुक्रिया तुम आ गई, सबने पिगटेल्स कर रखी है। अरे वाह सही कह रही हो, ये नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक हल है। बस इस तरह कुछ बालों को ऊपर बांधेंगे, ऐसा ही थोड़े और बनाकर दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे। तुम अभी से बहुत खूबसूरत लग रही हो, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, तुम्हें चमकना होगा। मैं यहाँ जेमस्टोन्स लगा रही हूँ। शानदार, लगता है मुझे पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अरे वाह एमा को देखो कितनी बढ़िया लग रही है। लियाम सच में जरा उसे देखो तो सही। ओह एमा की पार्टी आउटफिट तो कमाल की है, मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। ये रही कैंडीज, जरा इसे लिख कर लगाएंगे। ये गिर गया। अरे नहीं ये मेरे बस का नहीं है। मैंने वो कहाँ रखा था? एक चूहा। क्या चूहा हमारे घर में? हे भगवान। ओ ये रही मेरी शर्ट। ओ उस चूहे ने ये खराब कर दी, अब इसमें इतना बड़ा छेद है। मॉम हनी तुम ठीक तो हो? चूहे ने तुम्हें डरा दिया? नहीं पर उसने मेरी फेवरेट रेड टी शर्ट खराब कर दी। अरे यार इसमें तो बहुत बड़ा छेद हो गया। हाँ पर मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। इतना बड़ा छेद है तो इसे तो हटाना ही होगा। हो गया, हमने इसे काट दिया और ये गायब हो गया। अब हमें बाकी की शर्ट से कुछ करना होगा और कट्स लगाने होंगे। घबराओ मत बहुत मजा आएगा, बस कॉलर से कट करेंगे और ये भी हटा देंगे। बढ़िया, अब शर्ट के बीच से काटेंगे, बस फ्रंट साइड से, बैक से नहीं। इस तरह एजेस को फोल्ड करेंगे और रफल को सिल देंगे। घबराओ मत ये सिलना बहुत आसान है, इसे इकट्ठा करें और थ्रेड लगाएं। हो गया, आगे से इसे बांध दे और ये बन गया एक प्यारा सा क्रॉप टॉप। वाह मॉम आपने तो बहुत बढ़िया चीज बनाई, मुझे पसंद आई। शुक्रिया। ओह एक चीज और, तुम्हें ठंडा लग जाए। एक सेकंड रुको मॉम, इसमें भी चूहे ने छेद कर दिया। ये बेवकूफ चूहे, हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते है ना। वो क्या है? चूहा भाग गया। क्या? मैंने अपने ब्लाउज पर आइसक्रीम गिरा ली। आज का दिन और कितना बुरा होगा, अब मुझे चेंज करना होगा। देखते हैं, मेरा ये सब पहनने का मन नहीं है। और यहाँ क्या है जो मैं पहन पाऊँ? ओह शुक्र है तुम आ गई, बढ़िया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हे भगवान
ये तो इमरजेंसी है। देखते हैं यहाँ ऐसा क्या है जो काम आएगा। ओह, ये प्रिंटेड सिल्क शर्ट कैसी रहेगी। ओह हाँ, बढ़िया है। हे, तुमने कहाँ फेंका? ओह, मैं तुम्हें पहनाना चाहती थी, चेयर को नहीं। ये ठीक है, मेरे पास एक और चीज है। ओह, अब मैं जेनिटर नहीं रही, मैं उससे बहुत अच्छी दिखती हूँ। माफ करना, पर कोई बात नहीं, मेरे पास और भी चमचमाती हुई चीजें हैं। कैसे? अगर मैं इसे खुद पहन लूँ तो सही रहेगा। पहन लिया, अब ना चेयर पर गया ना जानिटर पर। ये चलेगा, लो, इतने पैसे काफी होंगे। शुक्रिया, अगली बार मिलते हैं। फिर क्या दिन था, वो कपड़े कैसे फेंकती है। पर अब सब ठीक है, चलो क्लास में चले। तो चलो, हमने बलून डेकोरेशन लगा दी है। हाँ, मैं फ्रिज में देखती हूँ। देखते हैं, मैं जानती हूँ मेरे पास खास मील पड़ी है। आह, ये रही, शुक्र है इस पर नाम लिखा है। अब कैंडल की बारी। हैप्पी बर्थडे एनी। हाँ, ये क्या है, क्या हो रहा है? ये सरप्राइज पार्टी है, वो भी मेरे लिए। हाँ बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे। अब विश मांगो। यही, मैं अपना बर्थडे कैफेज खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं ये लीफ यहाँ से निकाल दूँ। निकाल दी। बहुत अच्छी है, एकदम ताजी। मैं एक और लेयर लूंगी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, शुक्र है तुम्हें कैबेज पसंद आई। ओह, मेरे लिए, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। वो देखो, कैबेज के बिल्कुल बीच में क्या है, कैंडी का पूरा पीस। ये बर्थडे सबसे अच्छा है, और ये ऑरेंज फ्लेवर है जो तुम्हारा फेवरेट है। हाँ, पर ये लो, आपसे शेयर कर फिर मुझे और अच्छा लगेगा। आखिरी रिबन लगाने की सजावट पूरी हुई। दिखाओ। समझ नहीं आ रहा, उसे पसंद आएगा भी या नहीं। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग, ये लो तुम्हारा केक। क्या, मुझे केक पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। ओह नहीं, तुम इसका कुछ कर सकते हो। खैर, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर हम ये डेकोरेशंस लगा दें तो। लो, हो गया। अब ये जबरदस्त है। हाँ, काफी अलग है, पता नहीं अभी भी पसंद आएगा या नहीं। ओह, केक पर एक कप केक, मुझे पसंद आया। आओ, मेरा दांत। मॉम, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ और करना होगा। ओह हाँ, उसे ताजे फल बहुत पसंद है। चलो, तुम इसका कुछ कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं पेस्ट्री शेफ हूँ, हम फ्रूट्स के साथ कई बार काम करते हैं, और ये कुकी कटर्स हमें इसे डिजाइन में काटने में मदद करेंगे। हम इसे फ्रूट स्लाइसेस पर इस्तेमाल करेंगे, और इससे ये थोड़ा अलग दिखेगा। अगर हमारे पास स्टार्स और फ्लावर्स हो तो बोरिंग फ्रूट्स कौन खाना चाहेगा। अब ये कट चुके हैं तो चलो केक को सजाएं। शुक्र है सारे फ्रूट स्लाइसेस के लिए, इस केक पर काफी जगह है, और केक पूरा बन गया। वल्लाह, आपको कैसा लगा? ब्रावो, ये पक्का केक का एक मास्टरपीस है। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। और ये रहा तुम्हारा केक। अरे वाह, मुझे केक भी पसंद है और फ्रूट्स भी। बहुत स्वादिष्ट है। खैर, मेरी प्यारी बर्थडे गर्ल के लिए सबसे अच्छी चीज आएगी। हैप्पी बर्थडे। मैं स्कूल के लिए तैयार हूँ। हे, वो मेरी पेंसिल्स हैं। ओह नहीं, सारी बिखर गई। ये कैसे हो सकता है, अब मैं इन्हें कैसे संभालूं? ओह, तो मैंने इनके ऊपर पैर रख दिया था। उपसी, तो मैं अपनी मार्कर्स वगैरह निकाल लेती हूँ। ये आज के लिए काफी होंगे। अब मेरी नोटबुक्स, फोल्डर्स और बाइंडर्स भी। मैं इन्हें यहाँ पर वापस लगा कर देखती हूँ। हे भगवान, वो कितनी अजीब सी है, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। हे यानी, लो, तुम आज के लिए ये इस्तेमाल कर लो। ये मेरे लिए है, सच में? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया एमा, यू आर वेलकम। ये कमाल के स्कूल सप्लाईज तो देखो। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, ये रबर बैंड्स लेकर बाइंडर कवर के ऊपर इस तरह लगाएंगे। अब ये रबर बैंड्स मेरे सामान को टिकाए रखेंगे। देखो, मैं अंदर के कवर में भी बहुत कुछ रख सकती हूँ। वाह, इसमें काफी कुछ अटका सकते हैं। अब मेरी सारी चीजें संभली हुई है और सेफ भी है। ओह, बहुत अच्छा किया एनी, शुक्रिया, पर तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता। चलो क्लास शुरू करते हैं। तुम्हारा दोबारा शुक्रिया एमा। मुझे टैको चाहिए। हाँ, ये क्या था, मैं किसी चीज से उठ गई। एक सेकंड रुको, मेरे रूम में कोई है। चोर, मैं क्या करूँ।
मैं छिप जाऊं, इससे मैं तो सेफ ही रहूंगी। जरूर रुको, मैं उसे सामान लेने नहीं दूंगी। मुझे अपनी ब्रॉलिंग स्किल्स टेस्ट करनी होगी। बस थोड़ा सा और पास जाएंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं। मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर, मुझे लूटना चाहते थे, अब तुम्हारे हाथ बन गए, अब क्या करोगे? मैंने कर दिखाया और सब कुछ बचा लिया। एक सेकंड रुको, एक डस्टर। ओह नहीं, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये चोर नहीं है, ये बस हाउसकीपर है। मैं तुम्हें सीधा कर देती हूँ, मुझे माफ कर दो। लाओ मैं तुम्हारे चेहरे से टेप उतार दूं। तुम्हें ये वापस चाहिए होगा। इतनी सारी स्क्वायरल्स, नहीं मेरे नट्स चुरा लिए। हाँ, ये आवाज कैसी है? मैंने पका यहाँ कुछ सुना, मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर कुछ हुआ तो बस आराम से लिविंग रूम तक पहुंच जाएंगे। हाँ, क्या? हे भगवान, घर में चोर घुस आया है, ये कैसा मजाक है? ओ नहीं, मैं पकड़ा गया। शूट मत करना, मैं आराम से चला जाऊंगा, प्रॉमिस। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हे भगवान, कोई चोर यहाँ से भी कुछ चुराने का सोच सकता है? मैंने इससे बड़ा मजाक कब से नहीं सुना। चलो चलो देखते रहो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ क्या मिलता है। जो भी हो, यहाँ कुछ तो अच्छा होगा। ये क्या हो रहा है? इस पानी के कैन में देख लेता हूँ, कुछ नहीं है। मैं इतनी मुश्किल से यहाँ आया और कुछ नहीं मिला। तुम ठीक कह रही थी, यहाँ पर चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने कहा था ना, खैर छोड़ो। हे भगवान, वो मुझे बुरा लग रहा है, तुम तो सच में बहुत गरीब हो, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है। लो ये मेरा कैंडी बार है, तुम ले लो। ओ, ये मेरा फेवरेट है, तुम्हारा शुक्रिया। एक बार मेरी एक लड़के से लड़ाई हुई और पता है वो बहुत लंबा था। एक है क्लास, मुझे उम्मीद है कि आप आज एग्जाम के लिए तैयार हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आपने कितना सीखा है। हो, ये क्या? क्या मेरे बैग में बस यही है? शूट, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी कलर पेंसिल है। ये शॉर्ट भी नहीं है, देखो लिजी के पास कितना कुछ है, इतने सारे कलर्स और इतने सारे अलग अलग मीडियम्स। मुझे लगता है मुझे इसी के साथ काम चलाना होगा। एक सेकेंड रुको, शायद मेरे पास थोड़े पैसे है। हाँ मैं गरीब हूँ और बहुत गरीब। हे एक सेकंड रुको, शायद कचरे से कोई सोल्यूशन निकल सकता है। मुझे बस देखना होगा कि मुझे यहाँ क्या मिल सकता है। हाँ लियाम क्या कर रहा है? हे यहाँ पर पॉपसिकल स्टिक है, मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्लास में पड़े ये सिलिकॉन मोल्ड यूज करने होंगे। मैं बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा और फिर फूड कलरिंग डालूंगा। अब मुझे इसे मिक्स करना होगा ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। बढ़िया, अब मैं और कलर्स डालूंगा। इसके बाद पॉपसिकल स्टिक्स डालने का समय है, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सीधे खड़े रहे। और फिर फ्रीज, लाजवाब, ये अच्छे से जम गए हैं और अगले स्टेप के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो देखें क्या ये पॉपसिकल क्रियॉन्स वैसे ही काम करेंगे जैसा मैंने सोचा है। बढ़िया, जरा इस कलर को तो देखो, ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैं इसे थोड़ा लिक भी कर देखता हूँ, रिफ्रेशिंग। हाँ, इसने अच्छा काम किया, ये काफी होशियार है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। ओह रुको, मेरे पास पैसे हैं, ये मेरी मदद करेंगे, इतने काफी होने चाहिए। बोंजूर, क्या आपको एक आर्टिस्ट चाहिए? अभी नहीं, पहले तुम मुझे कोई आर्ट बनाकर दिखाओ। हाँ, मैं समझ गया, मैं आपके लिए एक मास्टरपीस बनाऊंगा। आर्ट क्लास बहुत बोरिंग होती है, आपका मास्टरपीस अब कंप्लीट है। वाला, ये क्या है? ईयू, ये बकवास है, इसे मुझसे दूर ले जाओ। आपको मेरी आर्ट पसंद नहीं आई, आपकी पसंद ही खराब है, मैं आर्टिस्ट को नहीं झेल सकती। हाय, ओके जो भी हो आगे बढ़ो और मेरे लिए आर्ट बनाओ। ठीक है मिस, मेरी टीचर कहती है कि मैं क्लास में सबसे बेस्ट हूँ, मुझे क्रेयॉन्स बहुत पसंद है, कलर करना मेरा फेवरेट काम है। ठीक है मैंने कर दिया। ये क्या है? एक घर और कुछ बादल? नहीं इतना बढ़िया नहीं है। रोना मत, मेरा मतलब मुझे यहाँ कुछ ना कुछ तो करना होगा। ओह देखो एक लॉली। ये क्या है? एक लॉलीपॉप। क्या? नीचे देखो। ओ, पैसे, बिल्कुल, ये लो, ये पकड़ो। चलो अब जाओ, जाओ यहाँ से। अगला। ओ, हे भगवान, ये भयानक है। हे घर, खैर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास क्या है। ये देखो। हे भगवान, वाओ, मुझे ये बहुत पसंद आई, ये लो तुम्हारे पैसे। हे घर, शुक्रिया मिस, ये डील हुई। ये बढ़िया है। हे लियाम, मेरा आर्ट वर्क देखो। ओ हाँ, ये बहुत अच्छा है, मैं अपनी आर्ट बनाने के लिए पॉपसिकल्स का यूज कर रहा हूँ। हे, तुम्हें मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम्हारी आर्ट पर।
एक पेंटहाउस पार्टी और मिली बॉबी ब्राउन वहाँ आने वाली है। ठीक है, मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं क्या पहनूंगी। चलो देखें, ये एकदम परफेक्ट ड्रेस है। मैं इस ड्रेस में बहुत जबरदस्त लगूंगी, या शायद नहीं। चलो कुछ और ट्राई करती हूँ। एक पिंक कलर की बेबी डॉल पार्टी ड्रेस, या शायद पिंक मैंने पिछले साल भी पहना था। मैं फिर से ट्राई करूंगी, शायद कुछ ज्यादा कैजुअल और मजेदार। मुझे गोल्ड स्नीकर्स बहुत पसंद है, मुझे खूबसूरत ड्रेस चाहिए। मैं इस छोटे से रेड ड्रेस में नहीं जा सकती। रखो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जाहिर है मैं कॉल करूंगी। अगर मेरे पास अपनी पसंद का कुछ नहीं है तो मैं कुछ नया खरीद लूंगी। नहीं, एक स्पेशल हुडी $5,000 की। हाँ प्लीज, ये आ गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मैं इसे खोलती हूँ। हे भगवान, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। मुझे ये पहनना होगा। बहुत अच्छी फिटिंग आई है और ये लेगिंग्स तो लाजवाब है। मैं अपने शेड्स पहन लेती हूँ और आखिरकार मैं इस पार्टी के लिए तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेल में मुझे ये मिला। ये एक डॉलर पार्टी का इनविटेशन है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये पहन कर जाऊंगा। इसमें बहुत सारे छेद हैं। हालांकि मैं अपनी बढ़िया शर्ट भी नहीं पहन सकता, इसमें भी बहुत सारे छेद हैं। इस बॉक्स में क्या है जो डार्ट ने मुझे दिया था? खैर, शायद इसमें कुछ हो जो मेरे काम आ जाए। हे, ये देखो, जीन्स का पेयर और इसमें एक भी छेद नहीं है। पता नहीं इसमें और क्या क्या है। बकवास, क्या ये उनके पुराने बॉक्सर्स है? Yikes! Oh, hey! पर ये देखो, ये येलो हुडी है। मैं ये पहनकर देखता हूँ। हे घर, हाँ, फिटिंग इतनी बुरी नहीं है। ये बहुत लंबी है। देखो, ये तो नीचे तक जा रही है, लगभग मेरे घुटनों तक। अब क्या करूँ? ओह हाँ, बॉक्सर्स, इसमें ये इलास्टिक है। ये अभी भी बहुत अच्छी शेप में है। पता है क्या, शायद मेरे पास एक आइडिया है। मैंने वेस्ट पैंट से ये पूरा इलास्टिक निकाल लिया है। अब मैं इसे अपने वेस्ट के चारों ओर लपेटूंगा और आगे से इसे बांध दूंगा। ठीक है, नॉट टाइट होनी चाहिए। और अब मैं इसे पीछे घुमा देता हूँ और अब मैं फालतू की बची हुई हुडी को ऐसे टक कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है। तुम कैसे हो बेबी? ओह हाय मॉम। हाय, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। एक वाटरमेलन, पर ये खाने के लिए नहीं है। ओह नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए है। लो, तुम इस मेलन को बेबी की तरह पकड़ सकती हो। मैं इसे फोल्ड कर देती हूँ और ये लो, मेलन बेबी रैप अप हो चुका है। अरे वाह बढ़िया। सिर्फ यही नहीं, तुम मेलन बेबी को खा रही हो? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अब मैं और बेबी लेसन्स नहीं देती। हाँ, वीडियो के हिसाब से ब्लैंकेट को इस तरह फोल्ड करना है। दोबारा स्टार्ट करती हूँ। हाय, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेबी को कैसे उठाना है। एक ब्लैंकेट को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करो और फिर हमें चाहिए होगा बेबी। अभी के लिए डॉल रखेंगे, बेबी को इस तरह बीच में रखकर नीचे से फोल्ड करेंगे और साइड्स को भी अब बीच में ले आएंगे। बढ़िया, मैं ये कर पा रही हूँ। पहले एक साइड से करना है, फिर दूसरी से, और बेबी पूरा लपेटा जाएगा। टडा, ये रहा बेबी। कितना कोजी लग रहा है ना, इससे वो सुरक्षित रहेगा, चाहे उसे कहीं भी ले जाओ। हाँ, अगर मैं इसे इस तरह फोल्ड करूँ और फिर अंदर की तरह और फिर इस तरह फोल्ड कर मैं इसे उठा सकती हूँ। एक कॉल कर लेती हूँ। हाँ, लगता है मुझे कॉल आ रही है, जरा एक सेकंड रुको। हेलो, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? ओह हाँ बिल्कुल, मैं अभी आता हूँ। बहुत बढ़िया, अब बस इंतजार करना है। ओह वो आ गया। हेलो, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये रहा बेबी। आज का दिन पिकनिक के लिए बहुत अच्छा है। ये जगह कितनी बढ़िया है ना? हाँ, यही रुकना चाहिए। भरोसा रखो, ये जगह ठीक रहेगी। इसे यहाँ बिछा दे और मैं हमारे फेवरेट स्नैक्स लाई हूँ। चलो इन्हें खोले। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में मैं अपनी सबसे फेवरेट नॉवल पढ़ूंगी। मैंने इसे यही छोड़ा था। क्या मैं वहाँ जाकर खेल लूँ? बढ़िया, फिर मिलते हैं। मुझे देखो, यहाँ पर बहुत जगह है। शानदार। अब हमें थोड़ा आराम करना है। हे मॉमी। अभी नहीं हनी, बस एक मिनट दो। जो भी हो, ग्रास पर हमें नंगे पैर चलना चाहिए। हाँ। ओह, ये मैंने किस पर पैर रख दिया? अरे वाह। मॉम, मेरे पैर के नीचे कुछ लग गया है। देखो। मैंने। रुको, गहरी सांस लो। मैं यहाँ बड़ी हूँ। मैं समझ गई,
शुक्र है मैं अपनी फर्स्ट एड किट लाई हूँ और इससे कुछ नहीं होगा। तो चलो अब सारा काम सिरिंज ही करेगी। हम इसे सक्शन से निकाल लेंगे। कितने अच्छे से काम किया ना। अब हम स्प्लिंटर को हटा सकते हैं। तुम्हें ये चाहिए तो नहीं? वाओ, बहुत बेहतर लग रहा है। अब मैं जाकर खेलूंगी। पर पहले अपने शूज पहन लो। अब समझी? हाँ, मैं इन्हें पहन ही लेती हूँ। मुझे सबक मिल गया है, बस लेसेस बांध लो। आप अपने बर्थडे केक पर कैसी सजावट चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।